आज जब मैं डायस पर आकर बैठा तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने देखा कि यहाँ इस सारी केवल बोतल्स रखी हैं, ग्लास नहीं थी, और सामने भी मैंने देखा कि बोतल्स थी, ग्लास नहीं है। तो मैं सोचने लगा कारण क्या है, तो मुझे ध्यान आया कि हमारे पायलट्स चलते हैं तो पायलट प्रायः बोतल से ही पानी पीते हुए मैंने उनको देखा है। तो यही मैं कह रहा था एयर चीफ मार्शल चौधरी जी से, आप लोग बोतल से पानी पीते इसलिए गिलास नहीं रखी है। एयर चीफ मार्शल जी आर चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल मनोज जी पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और हमारे मित्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा श्री मनोज जी चौटाला, रक्षा मंत्रालय और हमारे आर्मी के सारे सीनियर ऑफिसर्स, लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया एंड एब्रॉड, मेंबर्स फ्रॉम एकेडमिया, मेरे मीडिया के मित्रों, देवी व सज्जन, आज इस एरो इंडिया महोत्सव में इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एनडीसेम 2023 में आप सभी महानुभावों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। इंडियन एयरफोर्सेज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट थ्रू आत्मनिर्भरता जैसे विषय पर हो रहा आज का यह सेमिनार न केवल अत्यंत रिलेवेंट है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत के बिल्कुल अनुकूल भी है। यह सेमिनार भारतीय वायुसेना के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ावा देने में हेल्पफुल होगा, मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स और सेमिनार के आयोजन से जुड़े सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूँ और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स को उसकी कर्तव्य परायणता के लिए बधाई देना चाहूँगा। अभी हाल ही में हमने सीरिया और टर्की में भूकंप के कारण हुए महाविनाश को देखा है। इसमें बड़ी संख्या में जान माल के नुकसान की खबर आई। ऐसे विपरीत समय में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भावना के अनुरूप भारत सरकार के निर्देशानुसार फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका का निर्वहन करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने वहां पर अनेक प्रकार की मदद पहुंचाने का काम किया है। यही इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडियन एयरफोर्स के कंट्रीब्यूशन और दुनिया के प्रति हमारे राष्ट्र के कर्तव्य को प्रदर्शित करता है। इसके लिए मैं वायुसेना को, अपनी इंडियन एयरफोर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है आज भारतीय वायुसेना इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMMS का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर रही है और इस नई शुरुआत के लिए मैं इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज़ादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही शानदार भूमिका निभाई है। न केवल राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति बल्कि स्वदेशी सुरक्षा उत्पादन के प्रति भी इंडियन एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट रहा है। आज का यह सेमिनार भी स्वदेशी उत्पादों इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के प्रति भारतीय वायुसेना के भरोसे का एक और बहुत बड़ा प्रमाण है। साथियों, कुछ वर्षों में हमारा राष्ट्र अपने एक नई और विशिष्ट पहचान के साथ विश्व पटल पर उभरा है। आमतौर पर हम किसी राष्ट्र की पहचान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आता है? हमारे ध्यान में आता है कि कोई राष्ट्र अपनी भूमि और उस भूमि पर रहने वाले जन यानी लोग, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की वजह से वह राष्ट्र जाना जाता है। इसमें आप देखें, चाहे भूमि हो, भूमि पर रहने वाले लोग हों यानी जन हो, भाषा हो या संस्कृति हो, उनमें एक बात कॉमन है, वह है अपनी। कोई भी राष्ट्र अपनी चीजों के कारण जाना जाता है, दूसरों की चीजों से नहीं,
भूमि और जन ही क्यों, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पहाड़ भी इसी राष्ट्र की पहचान का अंग होते हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो हमारा देश पीपल और बरगद के कारण जाना जाता है, गम ट्री के कारण नहीं। हमारा देश गंगा, यमुना, कृष्णा और गोदावरी के कारण जाना जाता है, नील और अमेजन के कारण नहीं। हमारा देश हिमालय के कारण जाना जाता है, अल्पस और एंडीज के कारण नहीं। हमारा देश शेर के कारण जाना जाता है, पेंजियम और कीवी के कारण नहीं। वैसे बाहर देशों की चीजों के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, भारत की परंपरा में, भारतीय कल्चर में गमट्री, नी, अमेरिन, अल्पस, एंडी, पेंजियम और कीवी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। ये सभी किसी देश की पहचान और उससे विप्रमण प्रकृति के अभिन्न अंग है। इनमें से कुछ चीजें हमारे देश में और हमारी कुछ चीजें बाहर के देशों में पाई भी जाती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके जब जब भी हमारे देश की बात होगी, देश की पहचान की बात होगी, राष्ट्र के आत्मविश्वास की बात होगी, तो निश्चित ही अपनी ही चीजों से होगी, दूसरों की चीजों से नहीं होगी। कहना मैं क्या चाहता हूं साथियों, कि जिस तरह किसी राष्ट्र की पहचान उसकी अपनी चीजों से होती है, राष्ट्र का आत्मविश्वास उसकी अपनी चीजों से ही पुष्ट होता है, मजबूत होता है, उसी तरह हमारी सेनाओं का भी आत्मविश्वास हमारी अपनी चीजों, हमारे अपने साजो सामानों से पुष्ट होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती। बड़े लंबे समय से हम एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर, गन, मिसाइल, रडार सिस्टम आदि इम्पोर्ट करते रहे हैं। हमारी अधिकांश उड़ाने दूसरों के पंखों के सहारे भरी जाती रही, पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में यह परिस्थितियां बदली हैं। हाल के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में हमने अपने पैर मजबूत करने प्रारंभ कर दिए हैं। साथियों, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाए रखने के क्रम में हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस बेस्ट इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म से सुसज्जित हैं। दुनिया में जियो पोलिटिकल सिनेरियो कैसा भी हो, पर नेशनल सिक्योरिटी को हरदम चौकस रखना यह हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इन सबको देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन और प्रिपेयरनेस पर, आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया है, यानी न केवल युद्ध कौशल में बढ़ोतरी के लिहाज से, बल्कि युद्ध के सामानों और उपकरणों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिहाज से भी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि हमारा देश डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पादन की दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी एयरफोर्स के संदर्भ में मैं कहूँ तो अभी कुछ समय पहले सरकार द्वारा 15 लाइव कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के ऑर्डर के बारे में आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। आगे हमारी आर्म फोर्सेज में इसकी कुल संख्या 160 होनी है। इसी तरह आकाश वेपन सिस्टम, LCA तेजस, लॉन्ग रेंज सशस्त्र एयर मिसाइल और एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रगति के बारे में भी आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। यह सब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार के प्रयासों और इंडियन एयरफोर्स के सपोर्ट को ही दिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार ने के इनिशिएटिव और डिफेंस फोर्सेस के सपोर्ट से हम अपने एक्सटर्नल डिपेंडेंस से काफी हद तक उभरने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम दुनिया में मौजूद बेस्ट इक्विपमेंट और सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम उनका भी प्रोक्योरमेंट करेंगे और करते भी, पर हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने यहाँ इन इक्विपमेंट और सिस्टम्स को डेवलप करने की ओर आगे बढ़ें और रक्षा क्षेत्र में अपने कदम और अधिक मजबूत करें। साथियों, आज जब डिफेंस मिनिस्ट्री
और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं अपनी ओर से एक सुझाव आप सभी लोगों के बीच यहाँ पर रखना चाहूँगा, जिस पर आप विचार करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी आर्म फोर्सेस को अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, वारशिप, सबमेरीन जैसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट और सिस्टम एक्वायर करने की जरूरत होती ही होती है, और आप सभी जानते हैं कि इन इक्विपमेंट और सिस्टम की अच्छी खासी लाइफ साइकिल कास्ट भी होती है, तो उसकी सर्विस और मेंटेनेंस आदि के रूप में हमें बाद में चुकाना पड़ता है। ऐसे में क्या हम इन हाई वैल्यू इक्विपमेंट की इस लाइफ साइकिल कास्ट को इनकी एक्विजिशन के समय ही एग्जामिन नहीं कर सकते हैं? क्या हम पहले ही वेंडर से एक क्लियर एस्टिमेट नहीं ले सकते हैं कि आने वाले 10, 20, 50, 60 सालों या जब तक उस इक्विपमेंट की यूजेबल लाइफ है तब तक उसकी सर्विस और मेंटेनेंस आदि का खर्च कितना होगा? इन जानकारियों से हम एक्विजिशन में बेटर वैल्यू फॉर मनी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखना चाहूँगा जिससे हम सभी इस बात को रिलेट कर सकते हैं। साथियों, हमें कभी एक कार खरीदनी होती है तो हम क्या बस यही देखते हैं कि उस कार की ऑन रोड प्राइस कितनी है? नहीं, हम कार की कीमत के साथ साथ आने वाले समय में होने वाले बाकी खर्चे भी लगे हाथ देखते हैं। मसलन, एक गाड़ी माइलेज कितना देगी, उसकी मेंटेनेंस कास्ट कितनी पड़ेगी, पोस्ट डिलीवरी सर्विस कितने की पड़ेगी, मार्केट में उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो उसकी कास्ट किस रेंज में होगी आदि आदि, इन सब सारी चीज़ों पर हम विचार करते हैं। ये सब देख लेने के बाद हम किसी कार के बारे में अपना अंतिम निर्णय लेते हैं। कार तो फिर भी बड़ी चीज़ है। मैंने दफ्तरों में एक छोटे से प्रिंटर लेने के लिए पहले लोगों को बड़ा सोच विचार करते हुए देखा है कि कोई ऐसा प्रिंटर ना आ जाए जिसकी बाद में सर्विसिंग में दिक्कत आए, या ऐसा प्रिंटर ना आ जाए कि खरीदते समय तो उसकी कास्ट कम पड़े पर बाद में उसके कार्ट्रिजेज देने भारी पड़े। यह सब सोचना भी चाहिए, यह अच्छी बात है। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का सौदा करते चले हम उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं, तो इतने कास्टली डिफेंस इक्विपमेंट और सिस्टम्स को एक्वायर करते समय क्या हमें उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात पर विचार करें कि हम इस प्रकार की खरीदों के समय इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल कास्ट की जानकारी भी ले सकते हैं क्या, यह आपको विचार करना है। यह हमें अनेक प्रकार से सहायक हो सकता है, मेरा ऐसा मानना। इससे हमें किसी इक्विपमेंट के लगभग ओवरऑल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के बारे में पता चल सकता है, और इसका लाभ केवल कास्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे हम यह भी आकलन कर सकेंगे उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में इंडिजिनस कंटेंट का कितना लेवल है, कितना स्तर है। अभी हम किसी इक्विपमेंट को एक्वायर करते समय उसमें इंडिजिनस कंटेंट की तो जाँच करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कोई प्रोक्योरमेंट बाई इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के तहत करते हैं तो उसमें हम यह देखते हैं कि इक्विपमेंट कास्ट के आधार पर उसमें मिनिमम 50% कंटेंट इंडिजिनस है कि नहीं है, पर जब उस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की बारी आती है तो पता चलता है कि वह तो देश के बाहर ही होगा या फिर भारत में होगा, उसमें इंडिजिनस कंटेंट 50% से कम होगा। तो ऐसे में क्या हम यह भी देख सक रहे हैं ऊपर तो अपनी ही जहाज है, तो ऐसे में क्या हम यह भी देख सकते हैं कि इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट कास्ट में मिनिमम 50% इंडिजिनस कंटेंट ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस और सपोर्ट में भी 50% इंडिजिनस कंटेंट हो, तब ही सही मायने में हमारा एक्विजिशन बाय इंडियन आईडीडीएफ होगा
और हमारी आत्मनिर्भरता की यह राह स्वाभाविक रूप से प्रशस्त होगी। इस चीज से एक और बात जुड़ी है जिसका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं और वह है हमारे देश में यमारो की स्थिति, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। यमारो निश्चित ही आज के समय में देश की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। जिस तरह से किसी इंसान को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे डिफेंस इक्विपमेंट और सिस्टम्स के स्वास्थ्य की देखभाल की भी जरूरत होती ही होती है। ऐसे में हमारे देश में एमआरओ की सुविधा का होना और उसकी बढ़ोतरी का होना हमारा होना यह वर्तमान समय में यह बहुत ही आवश्यक है और हमारी सेना के लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं और एमआरओ से जुड़े लोग इक्विपमेंट और सिस्टम्स के मेंटेनेंस के माध्यम से हमारी सेनाओं की रक्षा करने में सहायक होते हैं। इसलिए एमआरओ से जुड़े लोगों को मैं हमारे रक्षकों के रक्षक के रूप में मैं देखता हूँ। इसलिए हमारा देश आने वाले समय में एमआरओ हब के रूप में उभरे, इसके लिए हम सभी को सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है। मैं इस मंच से सभी देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर समेत जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम सबसे पहले लेना जाएगा और हमारी वायुसेना, हमारी वायुसेना न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में बल्कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी लंबी और ऊंची उड़ान भरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर इत्यादि कुछ न कहते हुए मैं इंडियन एयरफोर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और इस सेमिनार की सफलता के लिए आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही अपना निवेदन समाप्त करता हूं।